ओहो क्यों कोस रहे हो सब मेरे पुत्र को? की गलत किया इसने? बोल दे पुत्र, मैंने तुझ पे गर्व है। तूने वही किया जो तुझे अपनी बहन की शादी बचाने के लिए करना चाहिए। तो उन वीरों जैसा नहीं है जो अपनी बहन की शादीशुदा जिंदगी में बवाल मचाते रहते हैं। ऐसे बचाइए इसने अपनी बहन की शादी, गीत की जिंदगी बर्बाद करके। चाचा जी, मैं राहुल सर की तरह तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, ना उनकी तरह विदेश जा सकता हूं, लेकिन गीत ते दीपू को बहुत खुश रखूंगा, एक अच्छी जिंदगी दूंगा मैं उन्हें, मेरे पे ऐ भरोसा रखो तुसी लोग। और कैसे देगा वे, हैं? जबरदस्ती करके आज तूने उसको शादी के लिए मजबूर किया है, कल पता नहीं किस बात के लिए मजबूर करेगा। दिलावर, जो तूने किया है ना वो अपराध है, अपराध। हाँ तो सर शादी कराई है ना? एक विधवा औरत की शादी करा के अगर उसे एक बेहतर जिंदगी दे रहा हूं मैं, तो क्या पाप कर रहा हूं मैं? मुझे सब कुछ नहीं दिखाई देता, तू तो अपने आप को दीपू का बाप समझ के और इसीलिए नहीं चाहता था कि गीत भाभी का ब्याह हो। उनके दिमाग में भी तूने बस ये ऐसे डाल के रखा था कि उनके पास और कोई चारा नहीं है यहां रहने के अलावा, तू ही बस एक रखवाला है दीपू का, है ना? और तेरे ही कारण से। शर्म कर, थोड़ी सी तो शर्म कर। एक तो तूने इतना बड़ा गुनाह किया, ऊपर से सारे इल्जाम मेरे वीर जी पर डाल रहा है। कोई गुनाह नहीं किया है मेरे वीर जी ने। मैंने माफ कर देना वीर जी, पता नहीं गुस्से में मैंने आपको क्या कुछ कह दिया। एक आप ही है जिनको मेरी फिक्र है। वीरा परजाई जी, मेरी गल समझने की कोशिश करो, गीत और दीपू नु मैं एक भरी पूरी जिंदगी दूंगा, और वैसे भी शादी के बाद तो आपके करीब ही रहने वाली है इसी पिंड में, तो फिर क्या गलत है इसमें? चाचा जी, मैं गीत को सच्ची में पसंद करता हूँ, माना मैं पहले बुरा इंसान था लेकिन अब मैं बदल गया हूँ, और ये सब रतन चाची जी की वजह से हुआ है, उन्होंने एक जीने की नई राह सिखाई है मुझे। मैं दीपू नु एक बाप का प्यार दूंगा, गीत के चेहरे पर वापस मुस्कुराहट लाऊंगा मैं, सब ठीक हो जाना है चाचा जी, सब ठीक हो जाना है। गीत भाभी ये ब्याह नहीं करना चाहती थी, जब गीत भाभी ये ब्याह करना ही नहीं चाहती थी तो फिर ये सब कुछ सही कैसे हो सकता है बलदेव? ये शादी शादी है ही नहीं, ये गुनाह है। तूने उनका अपहरण किया इसलिए उन्होंने ब्याह किया, ये सही हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये सब मेरी मर्जी से हुआ है। ये बात सच है कि मैंने अगवा करके वहां लेकर गए थे, पर ये ब्याह मैंने अपनी मर्जी से किया है। प्लीज किसी भी बात के लिए अपने हक को कसूरवार मत समझिए। पहले जो कुछ भी हुआ राहुल सर के साथ उसमें। नहीं वीरा, ये ब्याह मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद को कसूरवार समझती हूँ, इसलिए किया है क्योंकि मैं ये ब्याह करना चाहती थी। देवर जी बिल्कुल सही कह रहे थे, अंदर ही अंदर मैं यही सोच रही थी कि इससे बेहतर जिंदगी और कोई हो ही नहीं सकती, मैंने जोर जबरदस्ती करने की जरूरत थी। देवर जी केवल मैंने गोदाम तक लेकर गए थे, पर फेरे लेने का फैसला मेरा अपना था। ब्याह के बाद की जिंदगी कैसी होगी
इससे मेरे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं तैयार नहीं थी। पर जैसे ही वो डर मिट गया, सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। वीरा, मैंने यकीन है कि तिलावर जी मैनू और दीपू को बहुत खुश रखेंगे। सुन लिया ना सबने? अब खबरदार किसी ने मेरे पुत्र को कोसा तो। मेरे पुत्र ने वही किया है जिस बात का वीरा इतने दिनों से दावा कर रही, पर किया उसने कुछ नहीं। इतने दिनों से चली आई मुसीबत को ना खत्म किया मेरे पुत्र ने। अब खुशी खुशी विदा कीजिए घर से, मैं सामान लेकर आती हूँ। चाचा जी थोड़ा तो आशीर्वाद दे दो। यकीन मानो मैंने दीपू और गीत को बहुत खुश रखना है। हाँ भाई, अब तेरे पे यकीन करने के सिवाय हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। अब तो यही कहूंगा कि गीत और दीपू को प्यार से रखना। अब तो खुश है ना? अब तो और नहीं रोएगी? आप जैसे वीर जी होंगे तो कोई बहन कैसे रो सकती है वीर जी? चाचा जी मैं एक मिनट में आया, मैंने वो एक बहुत ही जरूरी कॉल कर। सुना तो नगीत भाभी ने क्या कहा? वो इस शादी से खुश है। अगर गीत भाभी को दाउन में शादी के वास्ते मना कर देती तो तू क्या करता? मान जाता, उनको वापस यहाँ पर लेकर आ जाता। फिर सच तू भी जानता है, प्लीज दिखावा मत कर कि तूने बहुत बड़ा महान काम किया। हुन तुसी चिंता ना करो, गीत के साथ मेरी शादी हो गई है और औरत को कैसे काबू में लाना है मैं जानना। रणवी की तरफ अब वो आंख उठाकर भी नहीं देखेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिलावर पाजी, आप नहीं जानते आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। पर मैंने नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी गीत के नाल ब्याह कर लोगे। आपने बीजनू बताया तो नहीं ना? ना बेना, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। ऐ गल तुहाडे और मेरे बीच की है। मैं ते तुहानू ए बताना चाहता था कि रजिस्ट्रार के पास तुहाडा दिया हुआ स्टैम्प पेपर पर मर्जी नाम और खेतों के कागजात मैंने जमा कर दिए। एक दो दिन में कानूनी तौर पर खेत मेरे नाम पे हो जाने हैं जी। बस अब इस खेत पर फसल उगाकर आप अपने परिवार को पाल सकते। अपनी जानते दिलावर भाजी, ब्याह कर आपने मेरा दिल का कितना बड़ा बोझ हल्का किया। इस खेत के हकदार नहीं, असली हकदार आप ही। रब झूठ ना बुलाए, हुण तुसी बिल्कुल लोड ना लेना है। सत श्री अकाल। गीत तो मेरी जिंदगी से चली गई, पर रणवी क्या कहेगा जब उसे ये पता चलेगा कि मैंने अपने सारे खेत दिलावर पाजी को दे दिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।